दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। बिहार में मिले कोरोना के 1543 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 153,735। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1543 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 153,735 हो गई है। बिहार में फिलहाल 17,168 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पटना में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनकर तैयार, इसी माह कर सकते हैं उद्घाटन सीएम नीतीश। पटना के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण लगभग पूरा हो चला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने इसका उद्घाटन कर सकते हैं। उद्घाटन के साथ ही ISBT से पेज एक में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, बाकी हिस्सों को भी जल्दी शुरू किया जाएगा। भागलपुर रेलवे जंक्शन पर सुबह से ही उमड़ी भीड़, आरक्षण 8 बजे से शुरू हुआ। भागलपुर से 12 सितंबर से दिल्ली के बीच चलने वाली कोविड स्पेशल में टिकटों की बुकिंग गुरुवार की सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। यात्री भागलपुर, सुल्तानगंज, बांका, बड़ियापुर, थरारा, अभयपुर और कजरा स्टेशनों के आरक्षण काउंटर के अलावा IRCTC से भी आरक्षण करा सकते हैं। रेलवे की ओर से बुधवार की रात नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मालदा मंडल के वरीय वाणिज्य पदाधिकारी पवन कुमार वर्मा ने बताया कि आरक्षण को लेकर सभी दिशा निर्देश स्टेशनों को दिया गया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर 9:09 के कार्यक्रम को बताया सफल, कही ये बात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को 9:09 के कार्यक्रम की सफलता का दावा किया। उन्होंने युवा की ओर से बेरोजगारी पर आयोजित के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवाओं को लादे हुए मुद्दे नहीं चाहिए, उन्होंने अपना मुद्दा चुन लिया है। युवा जाति धर्म से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। कल बेरोजगारी को लेकर स्वतः स्फूर्त कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। आप सबों को क्रांतिकारी सलाम और बारंबार धन्यवाद। RJD को लगा बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव से पहले रघुवंश प्रसाद ने दिया इस्तीफा, लालू को भेजी चिट्ठी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद ने इस संबंध में एक चिट्ठी राजद सुप्रीमो लालू यादव को भेजी है। रघुवंश प्रसाद ने लिखा है कि वो राजद में 32 साल तक रहे, इस दौरान उन्हें पार्टी में बहुत प्यार मिला, लेकिन अब साथ देना संभव नहीं है। रघुवंश प्रसाद काफी वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे थे और इसी सिलसिले में रघुवंश प्रसाद ने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा पहले ही दे दिया था। बिहार को करोड़ों का सौगात देने के मौके पर भोजपुरी में संबोधन की शुरुआत कर पीएम मोदी ने दिल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बिहार के लिए 294 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत कर लोगों का दिल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात देकर और भोजपुरी में भाषण की शुरुआत कर एक तीर से कई निशाने साधे। शनिवार से शुरू होगी 80 नई पैसेंजर ट्रेन टिकटों की बुकिंग आज से शुरू। रेलवे आज से 80 नई पैसेंजर ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग शुरू करने जा रहा है। आज सुबह 10 बजे से इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सभी ट्रेनें पहले से चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी, यानी अब रेलवे द्वारा कुल 310 ट्रेनों का संचालन होगा। इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह बांका से लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। पूर्व सांसद पुतुल सिंह ने संकेत दिए हैं कि इस बार इंटरनेशनल शूटर और उनकी बेटी श्रेयसी सिंह अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर सकती है। श्रेयसी सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा है कि बांका के सभी लोग उसे आशीर्वाद देने जुटे थे। इससे साफ हो गया है कि पूर्व सांसद पुतुल सिंह की सत्ता में हिस्सेदारी की मांग यदि राजद मान लेता है तो श्रेयसी सिंह इस बार बांका से चुनाव लड़ सकती है।
बिहार के इस पशुपालक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर हौसला बढ़ाया, सरकारी मदद का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय के गढ़पुरा के कौड़ाई निवासी पशुपालक ब्रजेश कुमार से बात कर उनका हौसला बढ़ाया है। धनबाद से तकनीकी शिक्षा लेकर ब्रजेश ने गांव में पशुपालन कर अपना न सिर्फ अपनी आजीविका का साधन बनाया है, बल्कि वे आसपास के स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों को कृषि व पशुपालन की संभावनाओं को लेकर लगातार जागरूक कर रहे हैं। पीएम ने उनकी तकनीकी ज्ञान व समझ की प्रशंसा करते हुए जहां उन्हें शिक्षित युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया, वहीं सरकारी मदद का भी भरोसा दिया। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार के लिए इस बार प्रत्याशियों की मनमानी नहीं चलेगी, आयोग से लेनी होगी अनुमति। बिहार में कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को सभी तरह की एनओसी ऑनलाइन मिलेगी। राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के लिए समय और स्थल की मांग चुनाव आयोग से ऑनलाइन ही करेंगे। आयोग अपने नोडल अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट लेने के बाद ऑनलाइन ही एनओसी जारी करेंगे। बिहार में 2020 से 22 सत्र के लिए इंटर में कल से शुरू होगा स्पॉट नामांकन, जाने किन्हें मिलेगा मौका। बिहार में इंटर दाखिला 2020 से 22 सत्र के तहत स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी। 11 से 13 सितंबर तक छात्र स्पॉट नामांकन के लिए संबंधित स्कूल या कॉलेज में आवेदन कर सकेंगे। वहीं 15 से 18 सितंबर तक स्पॉट नामांकन लिया जाएगा। इससे पहले बिहार बोर्ड द्वारा प्रदेश भर के शिक्षण संस्थान में बची हुई सीटों की सूची OFSS पर गुरुवार को जारी की जाएगी। बिहार के शहरों में 768 और ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा यानी कि 2473 कंटेनमेंट जोन सक्रिय। बिहार में 3241 सक्रिय कंटेनमेंट जोन हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2473 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां कोरोना संक्रमित मरीज की जांच की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दिशा निर्देश के तहत ऐसा हो रहा है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 8 अप्रैल और ऑप्शन डी 14 जून। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। 12 सितंबर को दरभंगा और देवघर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी बिहार के दरभंगा और झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट का जायजा लेने 12 सितंबर यानी शनिवार को जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन दोनों एयरपोर्ट को विकसित करने का काम कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहां से हवाई उड़ान भर सकेंगे। बीपीएससी न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा 7 अक्टूबर को, बिहार 31वीं न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो गई है। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 7 अक्टूबर को होगी। इसके लिए बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने सूचना जारी कर दी है। बीपीएससी के वेबसाइट पर इस परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। यह भी कहा गया है कि परीक्षा की यह संभावित तिथि है। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 221 पद पर सिविल न्यायाधीश का चयन होना है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 26,500 छात्रों ने आवेदन किया है। इनमें कुल 249 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए बने रहे जीएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।